जब से स्टार्ट हुआ है एक बहुत मेजर जो रिलीफ मिली है वो ट्रैफिक कंजेशन में हमें रोज़ रोज़ एग्जॉस्ट नहीं होना पड़ता। उसमें घंटा लगता था आने जाने में, मेंटल एग्जॉस्टन थी, फिजिकल एग्जॉस्टन थी और उसके बाद कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं रहती थी। अब ये है कि आप सुबह उठते हैं, अब आप मुँह धोए ना धोए, अब आप लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं। सच्ची बात ये है कि इस पूरे सूरत हाल के अंदर एक तो जो आपकी पेंडिंग चीज़ें थी उसको एक मुख्तलिफ तरीके से निपटाने का एक तो मौका मिल रहा है, दूसरा ये कि आप कुछ चीज़ों का अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी बाकी सरगर्मियों को एक दूसरे नज़र से और बाकी दुनिया को देखने का आपको या मुझे हमें एक मौका मिल रहा है। जब आप घर पे काम कर रहे होते हो तो आप 4 घंटे भी लगातार काम कर लेते हो, आपको वक्त का पता नहीं चलता। ऑफिस में आप एक एनवायरनमेंट में बैठे हुए होते हो जहाँ पे लोग काम भी करते हैं, बात भी करते हैं, फिर लंच आवर होता है उसमें लोग उठ के चले जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जब आप घर पर बैठे हो तो फिर आपकी पूरी तवज्जो अगर काम पे है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे से आप काम करो, आप उठे ही नहीं। मेरे ख्याल में ऑफिस में काम करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि घर में जो है वो एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऑफिस में कलीग साथ होते हैं, दूसरा ये कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अगर आपको किसी से रब्ता करना है, कोई फाइल चाहिए तो देखना है, किसी से मुलाकात करनी है तो ऑफिस में मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आप घर पर बैठ के जो है वो काम करें। हम लोगों की ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं पूरे ऑफिस की, या हमारी एक्सटर्नल मीटिंग्स भी ऑनलाइन ही होती हैं। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ चीज़ होती है वो ये होती है कि मुझे हमेशा अपना माइक सबसे पहले म्यूट करना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में कुछ पेट्स हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि वो किस टाइम बोलना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस मेरे घर में एक मुर्गा है और वो किसी भी टाइम रैंडमली अजाने देना शुरू कर सकते। अपने घर के जो बाकी अफराद हैं, बच्चे हैं, अहले खाना है, उनको ये कन्विंस नहीं कर सकते आप इस बात के ऊपर कि आप जो अभी घर में बैठे हुए हैं ये आप छुट्टी पर नहीं है बल्कि दरअसल आप अपने ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। और अगर आप मिसाल के तौर पे उनको ये मुतमईन कर भी दें, उसके बावजूद घर का अपना एनवायरनमेंट और वहाँ पर होने वाली सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं कि आप उससे अपने आप को लातालुक रख ही नहीं सकते। आप काम कर रहे होंगे, बिजली गैस का मसला शुरू हो जाएगा, पानी की प्रॉब्लम आ जाएगी, घंटी बज जाएगी, बेल बजेगी और ऐसी कोई मुसीबत आपके घर में दाखिल होगी कि आप उस मुसीबत से अपने आप को लातालुक रख ही नहीं सकते, इसलिए कि आप उस घर के मेम्बर हैं, वहाँ के फ़र्द हैं। एक नुकसान जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आता है घर से काम करने में वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने किसी को कोई बात बतानी है जिसे मैं एडिट करती हूँ तो मिस्टेक्स बतानी है, समझानी है ताकि दोबारा रिपीट ना हो, तो वो गैप हो जाता है कि आप बराबर में नहीं बैठे हुए किसी के, तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको ये समझाना। पिछले 7 सालों मैंने कभी घर में काम नहीं किया है तो घर वालों का रिस्पॉन्स काफ़ी डिफरेंट है और वो थोड़ा उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ और करके काम नहीं कर सकता। बीच में वो कहता है कभी अंडे ले आओ, कभी सब्जी ले आओ और ये काम उनको मना करो तो उनको लगता है कि पति ऐसा कौन सा काम है, वो कहते हैं घर के काम भी करो, वो इम्पोर्टेंट है, तुम घर में बैठे रहो।